और देश के इस शूरवीर वीर सपूत को नमन किया। आज सवेरे से ही केंद्रीय मंत्रियों ने भी आकर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद बरार स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो बरार स्क्वायर से प्रस्थान कर रहे हैं, जनरल बिपिन रावत की दो बेटियां और इन्हीं दोनों बेटियों ने मिलकर जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार को विधि विधान से संपूर्ण किया। दोनों बेटियों ने ही आगे बढ़कर अपने माता और अपने पिता को मुखाग्नि अर्पित की और इसी के साथ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया गया। आज पूरा देश नम आंखों से विदाई दे रहा है देश के राष्ट्रनायक, देश के वीर सपूत, देश के महायोद्धा जनरल बिपिन रावत को। तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर, और इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख और तीनों सेनाओं के सैनिकों ने उनके इस अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। लगभग 800 सैनिक उनके इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई और इस तरह अपने वीर सपूत को देश ने विदाई दी। देश के लिए जनरल बिपिन रावत ने जो कुछ भी किया वो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उनके मृत्यु के बाद उनके अंतिम सफर के हर पड़ाव ने देश के हर जन के दिल को छुआ। हर देशवासी की आंखें नम हुई। देश की युवा पीढ़ी को देशभक्ति का सबक सिखा गए जनरल बिपिन रावत। देश के लिए कैसे जिया जाता है ये उन्होंने अपने जीवन काल में दिखाया, और देश के लिए कैसे मरा जाता है ये भी उन्होंने अपनी जान देकर दिखाया, क्योंकि लाइन ऑफ ड्यूटी में उनकी जान गई। देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति जब देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की इस हादसे में मृत्यु हुई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से सक्षम तौर पर निर्वहन कर रहे थे जनरल बिपिन रावत। देश के साथ साथ अन्य देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी जनरल बिपिन रावत के इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भारत के सभी पड़ोसी देशों ने अपने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को भेजा। विभिन्न देशों के राजदूतों ने यहां आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और आज पूरा देश टीवी स्क्रीन्स पर दिखाए जा रहे इन झलकियों के माध्यम से ही जनरल बिपिन रावत तक अपना नमन पहुंचा रहा है। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी वीरों को नमन कर रहा है देश। आप ये सीधे दृश्य देख रहे हैं बरार स्क्वायर से, और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट फॉर डेमोक्रेसी में वीडियो संदेश दे रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं।
एक्सलेंसीज नमस्कार।